हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का सुपर फास्ट रिवीजन। क्या करेंगे बच्चों, रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि आपको मैं सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं। अब आपका रिवीजन करना है क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 22 फरवरी को लगा हुआ है और आपको ऐसे में क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, वो सारे टॉपिक का रिवीजन करना है जो अभी तक आपने पढ़े हैं। तो अगर मैं आपको जिन टॉपिक्स का रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा उन सभी टॉपिक का आपको अपने खुद से रिवीजन करना है, अन्यथा हम और हमारी टीम के द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको हर एक टॉपिक का डबल ट्रिपल रिवीजन कराया जाए। तो मैं आपको हर एक टॉपिक का रिवीजन करवाऊंगा, आपको अच्छे से कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के टॉप जो हमारे 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी होते हैं। और बच्चों ये क्या होते हैं, बहुविकल्पी जो होते हैं गद्य खंड से भी आते हैं और जो बहुविकल्पी होते हैं जो गद्य खंड के होते हैं और प्लस बच्चों हमारे जो बहुविकल्पी रहते हैं वो पद्य खंड के रहते हैं और दोनों में 5-5 नंबर के रहते हैं। तो इसीलिए हमें पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो 10 नंबर के आते हैं। तो उन 10 नंबर को तैयार करने के लिए हमें कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उन्हीं को आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहली हमारी रचना है अष्टयाम के रचनाकार हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अष्टयाम के रचनाकार कौन है और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। तो उनमें से आपको जो सही ऑप्शन है वो नावादास है, यानी कि अष्टयाम के रचनाकार जो है वो नावादास है। मैंने निशान इसलिए लगवा दिए हैं अपने जो भी नोट्स बनाते हैं हमारे साथी लोग कि ताकि आपको समय जो कम वेस्ट हो, मैं आपको एक एक टॉपिक समझाता फिर निशान लगाता तो उसमें आपको टाइम वेस्ट होता। अगला है राजा भोज का सपना के लेखक, एक राजा भोज का सपना एक रचना है और उसके लेखक जो है शिवप्रसाद सितारे हिंद जी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है, हिंदी का जो प्रथम यात्रा व्रत है वो कौन सा है बच्चों, तो हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत जो है वो सरयू पार की यात्रा है। क्या है, सरयू पार की यात्रा, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन, एक रचना है जिसका नाम है घुमक्कड़ शास्त्र। इस घुमक्कड़ शास्त्र को किसने लिखा है, ज्यादातर बच्चों यहां पर मैं आपको बताता हूं कि बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं मोहन राकेश लगा देते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो राहुल सत्यात्कन है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला बच्चों है पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित है, और मैं कहता हूँ इसमें भी बच्चे गलत करते हैं, मुंबई में लगा देते हैं, यानी कि जो पोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित है वो क्या करते हैं बच्चे ज़्यादातर ऑप्शन जो है मुंबई में लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बच्चों जो सही ऑप्शन है वो है कोलकाता, याद रखिएगा, ठीक है। अगला बच्चों में पथ के साथी किस विधा की रचना, देखिए अब पथ के साथी पहले तो ये पता होना चाहिए रचना किसकी है, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए किस विधा की रचना है। तो बच्चों जो पथ के साथी रचना है एक संस्मरण विधा की रचना है, ठीक है। अब बच्चों आता तितली के लेखक कौन है, बच्चों एक और आता तितली के साथ में कंकाल, कौन कंकाल, कंकाल और तितली, कंकाल और तितली दोनों एक ही लेखक की रचना है जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, और दोनों हैं क्या बच्चों, ये दोनों जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं, ये चीज आपको याद रखना है, यानी कंकाल और तितली दोनों क्या है, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद के कंकाल और तितली तो उपन्यास है, लेकिन अगर हम बात करें हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है, तो बच्चों आपको याद रखना है परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला है बच्चों अस्क के उपन्यास है, यानी कि एक अस्क उपन्यास है वो किसका है, यशपाल का है, भीष्म सानी जी का है या दिनकर का है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए अस्क जो एक उपन्यास लिखा है वो उपेंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया है, चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला बच्चों भारतेंदु की पत्रिका है, आपको ये सारी पत्रिका दी गई इनमें से आपको बताना है क्या कौन सी पत्रिका जो है भारतेंदु की है, तो आपको पता है बच्चों कविवचन सुधा जो पत्रिका है वो भारतेंदु में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। अगला चिंतामणि के रचनाकार हैं, चिंतामणि हो गया, विचार वेदी हो गई, रचनाएं जो हैं कुछ हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित की गई और आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो चिंतामणि किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। अगला बच्चों तार सप्ताह के संपादक कौन है, तार सप्ताह के संपादक हो गए आपको हर साल लगभग किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको पता है अज्ञे हैं और अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अज्ञे, ठीक है। अगला बच्चों हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, यानी कि जो हंस पत्रिका संपादित की गई इसके संपादक थे कौन, इसके संपादक जो थे वो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, ठीक है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है वो कौन सी है, तो मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है और ये भी बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला बच्चों है आनंद कदम्बिनी पत्र के संपादक, देखिए एक पत्र है आनंद कदम्बिनी, इसको किसने संपादित किया था, तो वो आपको याद रखना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, इनके द्वारा आनंद कदम्बिनी का संपादक किया गया, क्योंकि पत्रिकाओं से रिलेटेड बॉडी जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला बच्चों आता है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, यानी कि एक रचना है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं पत्रिका है वो हिंदी प्रदीप, उसको किसने संपादित किया था और ये आपको ज़्यादातर ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो हिंदी प्रदीप जो थी वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित की गई थी, ठीक है। अगला बच्चों है ब्राह्मण पत्रिका जो है, ब्राह्मण पत्रिका को किसने संपादित किया था और ब्राह्मण पत्रिका जो है बच्चों किस युग में संपादित की गई, ये भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है इनका आपको रिवीजन करके रखना है ताकि आपको वहां पर कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो अगर बच्चों बात करें ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वो आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हमारा 84 व्यसन की वर्ता के रचयिता हैं, एक रचना है 84 व्यसन की वर्ता, अब इसके रचयिता कौन है आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आपको पता है 84 व्यसन वर्ता की जो एक रचना है इसके रचयिता जो हैं वो गोकुलनाथ जी हैं, ठीक है। अगली है बच्चों रानी केतकी की कहानी, इस पर भी आपको स्टार लगा लेना क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो रानी केतकी की कहानी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सदा सुखलाल जी लगा देते हैं, तो ऐसा गलत है, यहाँ पर सही ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां। एकांकी का सम्राट कहा जाता है बच्चों, एकांकी का जनक या फिर एकांकी का सम्राट कहा जाता है, एकांकी का पितामह किसे कहा जाता है, वो हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा जो है उसमें आपसे क्या पूछा जाता है, इसको भी ध्यान से देखिए, इसमें हमसे पूछा जाता है द्विवेदीकालीन लेखक है, यानी द्विवेदीकालीन का लेखक इसमें कौन सा है, तो सरदार पूर्ण सिंह जो है वो एक द्विवेदीकालीन लेखक है, ठीक। अगला है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, यानी कि खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना वो कौन सी है। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं भाषा योग विशिष्ट लगा देते हैं, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बहुत से बच्चे लगाते थे, मैंने अपने ऑफलाइन बैचेस के अंदर जब टेस्ट लेता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि बच्चों का जो रिएक्शन है कहाँ पर ज़्यादा जा रहा है, यानी कि कहाँ पर जो है वो ज़्यादा ऑप्शन टिक कर रहे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे भाषा योग विशिष्ट जो गलत टिक करते हैं, जो सही करते हैं वो तो गौरा बादल की कथा ही लगाते हैं, लेकिन जो गलत टिक करते हैं वो क्या था भाषा योग विशिष्ट लगा देते हैं, ठीक है। नासिक उपत्यान के लेखक कौन है बच्चों, रचना है इसको लिखा है सदल मिश्र के द्वारा, ठीक है। अब बच्चों एक रचना है नीड़ का निर्माण फिर किसकी विधा की, यानी कि नीड़ का निर्माण एक रचना है वो किस विधा की है, यानी कि जैसे कंकाल और तितली जयशंकर प्रसाद के दो उपन्यास हैं, ठीक है, इसी प्रकार से जो नीड़ का निर्माण एक रचना है किसकी है वो किस प्रकार की रचना है, तो आपको पता होना चाहिए एक आत्मकथा है, ठीक है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है बच्चों, जो एक रचना है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा जो लिखी है वो भारतेंदु हरिचंद के द्वारा लिखी गई है, भारत फॉर भारतेंदु, ठीक है। अबारा मसीहा के लेखक कौन है, अबारा मसीहा के लेखक जो है विष्णु प्रभाकर, और ये भी रचना बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस पर ट्रिपल स्टार जितने स्टार लगाना चाहें लगा लीजिए, छायावादिन युगीन जो था उस गद्य की समय सीमा कितनी है, कितना माना जाता है, ये बच्चों समय सीमा जो 1919 से 1938 तक है, और बच्चे क्या करते हैं यहीं पर गलती कर देते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं 1910 से 1930 लगा देते हैं, तो याद रखना 1919 से 1938 है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें हमसे क्या पूछा जाए इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें हमसे पूछा जाता है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, यानी कि एक रचना है जिसका नाम है कला और बूढ़ा चांद। अब बच्चों जो कला और बूढ़ा चांद एक रचना है इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा बच्चों, ठीक है। लोकायतन कृति के रचनाकार एक कृति है, इनकी रचना है लोकायतन, लोकायतन कृति जो है इसके रचनाकार कौन है वो है बच्चों हमारे सुमित्रा नंदन पंत। अगला बच्चों तार सप्ताह के संपादक अज्ञेय जी हैं। अगला बच्चों है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, महाकाव्य कामायनी, और कामायनी जो महाकाव्य लिखा गया है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, चीज़ आपको पता है। अनामिका की रचना रचयिता कौन है, एक रचना है जिसका नाम है अनामिका, उसके रचयिता कौन है, उसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चीज़ आपको याद रखना है। साकेत के रचनाकार कौन है, तो बच्चों जो साकेत एक रचना है उसके रचनाकार जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब बच्चों लास्ट है कि प्रिय प्रभास के रचनाकार कौन है, यानी कि एक रचना है जिसका नाम है प्रिय प्रभास, उसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोत के द्वारा, यानी कि अरिहोत का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोत, ठीक है। अगली बच्चों रचना है आंसू के रचनाकार कौन है, एक रचना है जिसका नाम है आंसू, आंसू के रचनाकार कौन है, आंसू के रचनाकार है बच्चों जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगला बच्चों तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, यानी कि तार सप्ताह का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब हुआ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं आपको HW में देना चाहूं तो आप ले सकते हैं, अन्यथा मैं आपको वीडियो के जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वहां पर आपको इसका आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। और अगली जो हमारी रचना है 37 नंबर छायावादिन युगीन रचना है, यानी कि छायावादिन युगीन जो है वो रचना किसकी, वो कामायनी है, ठीक है। अगला है प्रेम सरोवर के रचयिता एक रचना है जिसका नाम है बच्चों प्रेम सरोवर, इसको किसने लिखा है, तो प्रेम सरोवर को लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद के द्वारा। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक किसे माना जाता है, प्रयोगवादी जो काव्यधारा के जनक माने जाते हैं वो हमारे अज्ञेय जी माने जाते हैं। अज्ञेय का पूरा नाम मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, फिर एक बार सुन लीजिए, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय, ठीक है। अगला बच्चों नई कविता का प्रारंभ माना जाता है, जो बच्चों नई कविता है उसका प्रारंभ कब माना जाता है, तो उसका जो नई कविता का जो प्रारंभ माना जाता है 1943 में माना जाता है। और बच्चों जो और हमारा 36 नंबर क्वेश्चन छुटा हुआ है इसमें आपसे पूछा जाता है तार सप्ताह के संपादक कौन है, तो आप सॉरी प्रकाशन वर्ष और तार सप्ताह के संपादक जो है वो बच्चे अज्ञेय जी हैं, ये चीज़ अभी आपको पता है। तो बच्चों जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है, ये चीज़ आपको याद रखना है।
आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है 1943 से। अगर आपको इसका 4 सप्ताह का प्रकाशन वर्ष पता था, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता देना। और अगर आपको सारे टॉपिक अच्छे से रिवीजन करना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और मैं आपको टाइम टू टाइम आपको सारे टॉपिक अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। आपका एग्जाम लगाए 22 फरवरी को, मैं 22 फरवरी से पूरे पहले पूरा सिलेबस जो है उसका रिवीजन कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा हमारे और हमारी टीम के द्वारा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ठीक है बच्चों। तो आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।